हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 30 है और हम कर्व ट्रेसिंग के कुछ लेक्चर पढ़ रहे थे और इसमें पढ़ रहे हैं ट्रेस द वॉल्यूम ऑफ डेकार्ट ट्रेस, ये हमें पढ़ना है। तो इसको किस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ डेकार्ट ट्रेस को किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम जो जनरल मेथड जो कर रहे थे, एक 2D ग्राफ बनाएंगे, ये बन गया हमारे पास। अब हम देखेंगे किसके सिमेट्रिक हो सकता है या किसके सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखें इसमें एक्स की पावर देखें तो एक्स की पावर इवन और ओड है। एक्स की पावर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ओड है और यहाँ ओड है, वाई की पावर ओड है और यहाँ पे भी ओड है और ओड। तो इस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि ये एक्स इसके सिमेट्रिक है या वाई एक्स की सिमेट्रिक है, ना तो एक्स एक्स की सिमेट्रिक है ना वाई एक्स की सिमेट्रिक है। अब यहां से मेरे पास ये तो हो गया, बट अगर हम इस इक्वेशन में देखें, इफ वी रिप्लेस एक्स बाई वाई एंड वाई बाई एक्स, एंड एक्स की जगह वाई पुट करें और वाई की जगह एक्स पुट करें, देन इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास हो जाएगी वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 3ay(x), जो कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax(y) के इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं जब x बराबर y पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इक्वेशन में जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये x बराबर, सो इट इज सिमेट्रिक टू एक्स बराबर वाई लाइन, यानी एक्स बराबर वाई लाइन की सिमेट्रिक है। एक्स बराबर वाई लाइन कौन सी होती है, ये लाइन जो है एक्स बराबर वाई वाली लाइन है। अब फ्रेंड्स, यहां पे हम इसका सिमेट्रिक का मतलब है एक्स बराबर वाई लाइन की सिमेट्रिक है, एक्स बराबर इधर का हम ग्राफ बना लेते हैं तो सेम इधर का होगा। तो इस तरह से हम एक्स बराबर वाई लाइन की सिमेट्रिक है हमारे पास यहां से पता चल गया। इसके बाद देखते हैं ये कर्व जो है, इक्वेशन जो है, एक्सिस को कहां पे काटती है, यानी एक्स एक्सिस को कहां काटती है और वाई एक्सिस को कहां काटती है, ये चेक करने के लिए हम इसमें एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो चेक करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसको एक्स एक्सिस पे कहां काटती है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हमको एक्सिस पे कहां काट रही है। तो यहां पे देखने के लिए फोर एक्स एक्सिस के लिए चेक करते हैं, तो यहां पे हमें y बराबर 0 पुट करना होगा। तो y बराबर 0 पुट करते हैं ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू ये 0 और ये 0, यानी x इक्वल टू 0। और 4y एक्सिस चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा ये y, यानी x y एक्सिस चेक करते हैं तो हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं ये आ जाएगा हमारे पास y क्यूब इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। इस तरह से क्योंकि यहाँ पे 0 ये 0 हो जाएगा, तो यहां से हो गया हमारे पास y इक्वल टू 0, यानी एक्सिस को ये सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है और वो भी कर रहा है, यहां से भी हमारे पास 0 0 पॉइंट आया और यहां से भी 0 0 पॉइंट, यानी हमारे पास एक्सिस पे यहां पे कट कर रहा है पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट है, ये 0 0 जिस पॉइंट पे ये कर्व कट कर रहा है दूसरे को। अब देखते हैं हम इसकी एसम्प्टोट्स चेक करने के लिए। फ्रेंड्स, इससे हमारे जो हमने पहले जो एग्जांपल पढ़े थे उसमें हमने एसम्प्टोट्स डायरेक्टली पता चल रही थी कि वाई बराबर फंक्शन को हम एक फॉर्म में लिख पा रहे थे और कब वो इनफाइनाइट हो रहा था लिख पा रहे थे, बट इसमें हम इस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं। तो एसम्प्टोट्स चेक करने के लिए हमें इसे जनरल मेथड पे जाना पड़ेगा एसम्प्टोट्स। तो एसम्प्टोट्स का जनरल मेथड जो है वो है ये हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन में हमें पुट करना है वाई बराबर एमएक्स प्लस सी, इक्वेशन में वाई बराबर एमएक्स प्लस सी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एमएक्स प्लस सी का क्यूब इक्वल टू 3ax एमएक्स प्लस सी, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 एम एक्स स्क्वायर सी
प्लस थ्री एम एक्स सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, ये तो इसको ओपन किया, इक्वल टू अगर ये देखे तो थ्री ए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स सी और यहां से आया थ्री ए एम स्क्वायर एम थ्री ए एम एक्स स्क्वायर, ये आया हमारे पास। अब फ्रेंड्स एक्स की हाईएस्ट पावर कौन कौन सी, हमारी एक्स की पावर है क्यूब और स्क्वायर बाय टर्म देखनी है हमें, तो एक्स क्यूब बाय टर्म अगर देखें तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट देखें यहां से, तो यहां पे वन प्लस एम क्यूब, यहां पे एक्स क्यूब का कोई नहीं है, यहां पे एक्स क्यूब नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो ये हो गया। अब इसको इक्वल टू जीरो पुट करें तो हमारे पास यहां से आएगा एम क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एम बराबर माइनस वन, एम बराबर माइनस वन ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें सी की वैल्यू के लिए, सी की वैल्यू के लिए क्या करना होता है हमें, जो एम सॉरी स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर के अगर कोफिशियंट अगर देखना चाहे तो यहां से हमारे पास यहां पे मिल रहा है थ्री एम स्क्वायर, और यहां पे देखें तो यहां पे नहीं है एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, यहां पे भी नहीं है, यहां पे है माइनस थ्री ए एम और कहीं पे नहीं है, क्योंकि इसको हम इधर लेंगे तो फिर से थ्री माइनस एम हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। और थ्री अगर इसमें देखें थ्री एम स्क्वायर, थ्री एम स्क्वायर में तो सी भी आ रहा है फ्रेंड्स, यहां पे थ्री एम स्क्वायर सी माइनस थ्री ए एम एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। और एक्स स्क्वायर को तो कॉमन लिया है तो यहां से हमारे पास अगर थ्री एम कॉमन ले लें तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर थ्री एम कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से हो गया थ्री एम सी, थ्री एम सी और ये हो गया हमारे पास थ्री एम सी, और इधर बचा हमने क्या कॉमन लिया, थ्री एम कॉमन लिया है, तो यहां से थ्री इक्वल टू थ्री ए। अब अगर एम बराबर माइनस वन पुट कर लें, फिर थ्री एम कॉमन ले चुके हैं तो थ्री तो कट जाएगा यहां से। अब अगर हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे पास एम सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, यानी c इक्वल टू है हमारे पास a अपॉन m, यानी m की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो हमारे पास यहां से c बराबर क्या आया माइनस a, तो हमारे पास जो इसकी एसिम्प्टोट्स आई है वो आई है हमारे पास यार यहां से, क्योंकि एसिम्प्टोट्स क्या लेके चलते हैं हम y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर माइनस m की वैल्यू माइनस वन थी x प्लस c की वैल्यू क्या है a, तो माइनस a, यानी ये इसकी एसम डॉट्स आई है, या इसको एक साइड में ले ले हम तो ये हो जाएगी बाई प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये इसकी एक एसम डॉट्स आई है फ्रेंड्स। तो ये एसम डॉट्स हमें यहां पे ग्राफ पे शो करनी होगी, तो ग्राफ पे इसको शो करते हैं, फिर इस लाइन को अगर हम ग्राफ पे बनाना चाहें y बराबर ये हुए y प्लस x इक्वल टू माइनस a, ये लाइन है हमारे पास। अगर हम y बराबर जीरो पुट करें, y बराबर जीरो पुट करें तो x बराबर माइनस a, यानी y बराबर जीरो और x बराबर माइनस a, तो ये हमारे पास कहां पर है, यहां पर पॉइंट होगा कोई माइनस a एंड जीरो, ठीक है। और अगर x बराबर जीरो पुट करें तो x बराबर जीरो को पुट करने की कंडीशन y बराबर माइनस a, तो यानी एक पॉइंट यहां पे आएगा जो जीरो एंड माइनस ए, इन दो पॉइंट बन गए, तो ये एक लाइन है, तो इस लाइन से होके ये कर्व जाएगी, ये हमारे पास एक लाइन बन चुकी है, ये हो गई हमारे पास फ्रेंड्स वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ए वाली लाइन, ये इसकी एसिम्प्टोट्स है फ्रेंड्स, यानी जो कर्व है हमारे पास। अब क्या पता चल गया हमारे पास, ये कर्व ये एसिम्प्टोट्स है, यानी ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पे ट्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास ग्राफ जो है वो इधर से आएगा इस कर्व पर वो उस पर टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिट पे जाएगा इसी तरह से, ये क्योंकि एसिम्प्टोट्स को कभी टच नहीं करता, वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो ये हो गया हमारे पास। एसिम्प्टोट्स निकालने के बाद, हम चेक करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे फंक्शन हमारे पास ये सेटिस्फाई कर रहा हो, कहीं पे कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाए, सपोज वाई बराबर हम कुछ वैल्यू पुट करें या कुछ इस तरह से पुट करें तो हमारे पास कुछ पॉइंट मिल जाए। अगर हम सपोज लेफ्ट
एक्स बराबर वाई, क्योंकि एक्स बराबर वाई जो है वो एसिम्प्टोट से, तो उस कंडीशन में हमारे पास उसमें एक्स बराबर वाई ले तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू थ्री ए एक्स स्क्वायर, एंड टू एक्स क्यूब इक्वल टू थ्री ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से ये पावर चली जाएगी, ये आ गया हमारे पास, तो वह एक्स इक्वल टू थ्री ए अपॉन टू, तो यहां से एक्स बराबर वाई, चूंकि एक्स बराबर वाई है तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू वाई थ्री ए बाई टू, यानी कि यहां पे एक पॉइंट होगा थ्री ए बाई टू, थ्री ए बाई टू जिसपे ये दोनों पॉइंट कट कर रहे होंगे। अब फिर ये आ गया हमारे पास, जब हमारे पास ये आ चुका है तो हम देखते हैं इसका कुछ रीजन कि ये इस रीजन में डिफाइन होगा इस रीजन में डिफाइन नहीं होगा, तो अब ये देखते हैं। अब फिर अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें, सपोज एक्स और वाई बोथ आर नेगेटिव, सपोज एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा सपोज एक्स की वैल्यू माइनस, सॉरी एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं माइनस ए, वाई की वैल्यू लेते हैं माइनस बी, तब उस कंडीशन में सॉरी ये है यहाँ पे, तो सी और डी ले लेते हैं, ये हो गए माइनस सी क्यू माइनस डी क्यू इक्वल टू थ्री ए और ये सी डी। अब फिर इसको दोनों को देखें, क्योंकि यहाँ माइनस सी और माइनस डी का मल्टीप्लाई किया तो प्लस में हो जाएगा सी डी। अब फिर अगर इसको देखें, क्योंकि सी जो है वहां पर ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव नंबर कब है, जब ये पूरे को ले रहे हैं, यानी सी तो पॉजिटिव नंबर है एक तरह से। अब सी क्यूब और माइनस डी क्यू एन दोनों ये नेगेटिव नंबर दोनों का सम जो है वो नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, बट ये क्या कह रहा है, इधर कह रहा है ये हमारे पास ये थ्री ए सी डी जो है पॉजिटिव नंबर है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, थ्री ए सी डी पॉजिटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर, तो यहां से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये कभी भी इस जो कर्व जो बनेगा इस एक्सिस में नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, तो हमारे पास यहां से ये बन गया। अब यहां से हम इसको ग्राफ को बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ इस तरह से आएगा ये और यहां से ये यहां पे आना है, फिर इधर नहीं जाएगा तो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा और इधर से इधर जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ बन गया, ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ बन चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, कर्व की सिर्फ सिंपल कुछ टर्म्स है जो हमें फॉलो करनी है, उन टर्म्स को मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, कौन कौन सी टर्म, पहले सिमेट्री चेक करते हैं, उसके बाद उसके एक्सिस पे पॉइंट देखते हैं, उसके बाद एसिम्प्टोट्स देखते हैं, उसकी एसिम्प्टोट्स के बाद उसका रीजन देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे वो डिफाइन है कहाँ कहाँ पे वो डिफाइन नहीं है, रीजन के बाद उसके कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स है हमारे पास जिन पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इन पॉइंट्स के बाद इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, तो इन बेसिस पे हम कोई भी कर्व ट्रेसिंग का एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।